भाई लोग यहाँ से जंप मार रहे हैं नीचे, ये देखो यार अननेसेसरी रिस्क है। ये ब्रह्मकुंड का भीड़ देखिए, पानी को रोकना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो ये और एक बैरेज है ऋषिकेश के पास जिसका नाम है चिल्ला डैम। इसमें हम आके अभी पहुंच गए हैं राजा जी नेशनल पार्क। ये जो साइड में देख रहे हैं ना, ये राजा जी टाइगर रिजर्व है। अगर किस्मत अच्छा रहा तो टाइगर हमें दिख जाएगा, जो कि कभी भी नहीं होने वाला है। और ये वाला एक नया रोड बना है, नया रोड नहीं एक्चुअली पुराना रोड है, लेकिन पहले इतना यूज में नहीं था। By using this road you can reach Haridwar from Rishikesh। तो चिल्ला डैम के बाद एक छोटा सा फॉरेस्ट रूट आया, उसको क्रॉस करने के बाद जैसे एम्स ऋषिकेश के पास में आपको एक बैरेज दिखाया था ना, वैसे ही यहाँ पे और एक बैरेज नजर में आ रहा है। और ये बैरेज क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार। हेलो यूट्यूब फैमिली, और स्वागत है आपका उत्तराखंड सफरनामा का और एक भव्य ब्लॉग में, जहाँ हम लोग डुबकी लेने वाले हैं हर की पौड़ी में। हाँ जी, जो हर एक सनातनी का जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य होता है कि वो अपने जीवन काल में एक ना एक बार हर की पौड़ी में डुबकी लेकर इस जन्म में कुछ तो पाप मिटाने के लिए। ये सामने देखिए भोले बाबा का बहुत ही बड़ा मूर्ति, और ये स्टैच्यू देखने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप हरिद्वार पहुंच चुके हो। यहाँ पे गंगा मैया को बहुत सारा ऐसे बैरेज बनाकर इरिगेशन के लिए डाइवर्ट किया गया है, और वो सामने ऊपर मनसा देवी माता का मंदिर। तो काफी बड़ा पार्किंग है हर की पौड़ी जाने के लिए, ये आप देख पा रहे होंगे। और पार्किंग चार्जेस पर कार इज 90 रुपीज, 90 रुपए एक कार का लगता है इधर पार्किंग करने के लिए। तो भाई गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम अभी बढ़ रहे हैं हर की पौड़ी की ओर, और साइड में ऐसा कई सारे दुकानें आपको मिल जाएंगी। और अगर गंगा जल लेना है ना, तो आप यहाँ से बॉटल भी खरीद सकते हो। हम नहीं खरीदने वाले क्योंकि We are carrying our own bottle from Bangalore। ये actually ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल ना कन्वीनियंट रहता है पानी कैरी करने के लिए, और उस वैसे भी हम लोग उत्तराखंड के बाद और भी कई सारा जगह घूम के जाएंगे, वरना ऐसे ही बॉटल्स यहाँ पे मिल जाएंगे 10, 20, 40, 50, 60 रुपये, तो डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। तो अभी हर की पौड़ी के लिए ऐसे चढ़ाई चालू हो गया है, काफी सारा ब्रीज आपको मिलेगा। लास्ट टाइम में जैसे दिखाया था 2 साल पहले जब आए थे, उस टाइम तो भीड़ बहुत कम थी क्योंकि ऑफ सीजन था, और अभी क्योंकि सीजन का माहौल है तो यार भीड़ खतरनाक है। पार्किंग में भी काफी टाइम लग गया, मतलब क्यू में वेटिंग का, और इस बार तो हम पे भी किया, लास्ट टाइम तो फ्री था, कोई पार्किंग के लिए पूछ भी नहीं रहा था। कई सारे ऐसे ब्रिजेस बनाकर गंगा मैया का पानी का फोर्स है ना, उसको डाइवर्ट किया गया है ताकि लोग आराम से डुबकी ले सके ये पावन जल में। वो सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे काफी सारे स्टे वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। भाई लोग यहाँ से जंप मार रहे हैं नीचे, ये देखो यार अननेसेसरी रिस्क है। सामने गंगा मैया का बड़ा सा मूर्ति एकदम नदी के बीचों बीच, और उस साइड में है भोले बाबा। ये जो ब्रिज धनुष के आकृति का बनाया गया है ना, रात में जब लाइट लगती है तो बहुत ही अच्छा दिखता है। देखिए कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। हर की पौड़ी एंट्री लेते ही आपको ये बड़ा सा घंटाघर दिखाई देगा, और भीड़ देखिए भाई साहब, जन सैलाब, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे श्रद्धालुओं का। इस बार सब चार धाम यात्रा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आते हैं हर की पौड़ी में पावन डुबकी लगाकर अपने अपने डेस्टिनेशन पर वापस चले जाते हैं। और ये जबकि हम लोग वीकडेज में आए तो इतना भीड़ है, सोचिए वीकेंड में कितना ज्यादा भीड़ होगा। तो अभी चलिए देखते हैं, लास्ट टाइम हम लोग हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाए थे, इस बार वो पॉसिबल हो पा रहा है या वहाँ पर ज्यादा भीड़ है, पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। ये ब्रह्मकुंड का भीड़ देखिए, ऐसा जन सैलाब आ गया है हरिद्वार में। ये सबसे अच्छा फैसिलिटी मुझे लगा इस बार हरिद्वार में, डिलक्स शौचालय स्पेशली लेडीज लोगों के लिए काफी मददगार है, और चार्जेस बस 10 रुपए। नॉर्थ आए और कुल्फी ट्राई ना किया तो क्या किया। यहाँ पे हम लोग आए हैं कुल्फी, एक कुल्फी का 30 या 40 रुपए ऐसा करके कुछ तो लेते हैं। उस साइड में मिल्क बादाम वगैरह काफी कुछ ऐसे स्ट्रीट साइड फूड यहाँ पे खाने के लिए मिलता है। जिन लोगों को चलने में दिक्कत होता है ना, बहुत अच्छा यहाँ पे रेलिंग वाला
ऐसे रेलिंग चेयर वाला सुविधाएं की गई है। ये चेयर में बैठिए और ये चेयर ये रेल के थ्रू आपको ऊपर ले जाएगा और नीचे भी लाएगा। भीड़ देखिए ब्रह्मकुंड में, भयंकर भीड़ लगा है। और इस बार मैं देख पा रहा हूँ लेडीज चेंज रूम के लिए काफी सारे फैसिलिटी यहाँ पे किए गए हैं। काफी ज्यादा ठंडा है लेकिन ठंडा होने का एहसास है ना, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मन में भक्ति हो तो भाई सब कुछ आसानी से हो जाता है। हर सनातनी का एक ही सपना होता है कि वो अपने जीवन काल में एक ना एक बार आके इस पावन हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में पावन डुबकी लगाए और हो सके तो इस जन्म का कुछ पाप वो धो ले जिंदा रहते रहते। यहाँ पे यज्ञ कुंड, यज्ञ का पूर्णाहुति हो चुकी है पर पावन अग्नि अभी भी जल रही है। और ये बिल्कुल सामने ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड और गंगा मैया का मंदिर। बहुत ही शांति आ रहा है, बहुत ही शांति लग रहा है। मतलब पानी ठंडा है फिर भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पानी का फोर्स देखिए ये अगर बैरस नहीं करते ना पानी को रोकना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। बैरस करने के बाद भी देखिए कितना ज्यादा पानी का फोर्स है। हम लोग अभी ब्रह्मकुंड से थोड़ा आगे आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा खाली है तो कुछ देर यहाँ पे और ज्यादा मन भर के डुबकी लगाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे हरिद्वार मार्केट की ओर। यहाँ पे ज्यादा ठंड लग रही है ना मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग ना वो ब्रिज, ये ब्रिज और जो सामने से आया था बड़ा वाला ब्रिज के ऊपर गंगा मैया में छलांग लगा रहे हैं। भाई इट्स नॉट एट ऑल सेफ। हरकतों के वजह से भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो प्रशासन क्या करेंगे ना, कुछ देर तक यहाँ पे स्नान का कार्यक्रम स्थगित कर देंगे जिसके वजह से सबको परेशानी होगी। भाई मेरा एक ही रिक्वेस्ट है ये सब चीजें मत किया करो, यहाँ पे ये जगह पावन जगह है, यहाँ पे स्टंट वगैरह मत किया करो। हर घाट पर ऐसे चेंज रूम्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है। हम लोग इवनिंग तक वेट किए गंगा आरती देखने के लिए। पिछले बार जब हरिद्वार आए थे कोविड के वजह से ज्यादा भीड़ नहीं था, हम लोग आराम से वहाँ खड़े होके मतलब जहाँ पर एक्चुअली गंगा आरती होने वाला है उधर खड़े होके दर्शन किए थे। इस बार तो उधर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। समुद्र मंथन के बाद जब गरुड़ देव अमृत का पात्र को लेकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस पात्री से एक बूंद अमृत का छलका यह हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में गिरा था। इसीलिए यहाँ पर शाही स्नान को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं सनातन धर्म में। आपको अगर दोस्त परिजन या फिर रिलेटिव लोगों के लिए कुछ खरीदना है क्योंकि आप हरिद्वार आए हो तो इधर है ये वाला जहाँ पर गंगा आरती हो रहा था ना बिल्कुल उसके पीछे हरिद्वार का बड़ा वाला मार्केट। यहाँ पे सारी जरूरत की चीजें या फिर जो गिफ्ट आइटम वगैरह का जो आया चीजें होता है ना सामान वो सब मिल जाएगा यहाँ पर। आशा करता हूँ आपको हर की पौड़ी हरिद्वार का ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी और एक व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हो गंगा मैया की जय।